where there is knowledge, there is everything. So we have to do everything in our life. अगले एपिसोड में मैंने आपको कंप्यूटर के कुछ बेसिक टिप बताए थे. आज मैं कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में कुछ बताने वाला हूँ. कीबोर्ड में टोटल 104 कीज होते हैं और कुछ ही में से आपको उनका यूजेस पता होगा. अभी मैं आई एम प्रियांशु लिखने वाला हूँ. सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए तो हम इसे कैपिटल लिखने वाले हैं. कैप्स लॉक की हर लेटर को कैपिटल बना देता है. अब हम अगर इसको फिर से बंद कर देंगे तो ये सभी लेटर्स को स्मॉल बना देगा. हमको स्पेस चाहिए तो स्पेस बार की उसमें मदद करता है. अगर गलती से मैं कोई अलग लेटर लिख देता हूँ जैसे कि जे, उसे अगर हमें इरेज करना है तो हमें बैक स्केप की दबाना होगा, इससे वो इरेज हो जाएगा. मैंने अब इसे लिख दिया. तो अगर हम इसको छोड़ना चाहते हैं तो हमें एक बार माउस में लेफ्ट क्लिक करना होगा. ये यहाँ पर पेस्ट हो गया है. एंटर की का यूज होता है क्योंकि हम किसी नेक्स्ट लाइन में जा सके या हम किसी चीज को एंटर कर सके. यहाँ पर कोई फाइल नहीं है इसीलिए एंटर की दबाने से कुछ नहीं होगा.
को लेटर्स टाइप करने के लिए अल्फाबेट की का जरूरत होता है, उसको बड़ा करने के लिए कैप्स लॉक की का, नंबर्स लिखने के लिए न्यूमेरिकल की का, स्पेस देने के लिए स्पेस बार की का, इरेज करने के लिए बैक स्पेस की का जरूरत पड़ता है। अगले वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के पार्ट का कोई यूजेस बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग एंड बी हैप्पी।